सत्याकाल एसएसआरटीओ में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। महामहिम आगमन से लेकर प्रस्थान तक के तमाम उत्साहित रूप से लोग रहे, और यहाँ पे तमाम लोग या तो प्रबंधक कमेटी के तमाम सदस्य लोग उनकी मेजबानी की और भगवत की है, और सबसे उत्साहित रूप से जो सिख संगत थे, यहाँ के जो स्थानीय थे, वो काफ़ी खुश थे। इस बीच महामहिम को लेकर प्रबंधक कमेटी के दो पदाधिकारी क्या करें, उनकी बात को सुनते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है और गर्व की भी बात है कि महामहिम ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो मैडम है वो आज बिहार दौरे पे आई थी, और उन्होंने आने पे जो तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब, जो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म स्थान है, यहाँ के महाराज जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, मत्था टेका। सो हम सब पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो यहाँ दर्शन करने आई, और उन्होंने मतलब यहाँ के आशीर्वाद के तौर पे हमारे देश की खुशहाली की और हमारे राज्य की खुशहाली की जो है वो उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि सबसे खुशी की बात वो यहाँ आई हैं, नतमस्तक हुई, मत्था टेका, कीर्तन सरवण किया, 15 मिनट उन्होंने शस्त्रों के दर्शन किए, गुरु महाराज जी के चरणों का जो जोड़े हैं अखड़ाव, उनका दर्शन किया, इतिहास सरवण किया, और उसके बाद प्रबंधक कमेटी के अहदेदारों पदाधिकारियों के द्वारा जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ जो है वीआईपी लॉन्ज में जो है उनका सम्मान किया गया। सभी सदस्यों ने बारी बारी से उनको सम्मानित किया, और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुश थी। मतलब जो है कि इतना खुला समय जो होता है वो नहीं कोई जल्दी देता है, बहुत खुले टाइम में वो यहाँ से खुश होकर के गए, और हम लोग को भी इसकी खुशी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रबंधक कमेटी के बड़ी उपाध्यक्ष लखबीर सिंह लखा जी और साथ ही कनीय उपाध्यक्ष गुरमिंदर सिंह जी ने तमाम चीज़ों से अवगत और काफ़ी उत्साहित रूप से महामहिम की मेजबानी की, अवगत की है, और काफ़ी खुश दिखे। SSI2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।